इश्फाक यूसुफ़ज़ई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली ही ये एपिसोड है, मतलब मैं वो खुशकिस्मत हूँ। इश्फाक भाई की एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्कूलिंग मैंने शुरू की थी, मैंने गांव से शुरू की थी एक सरकारी स्कूल में। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा बड़े होके क्या बनोगे? बात सही है। देखे, जब हम बच्चे होते थे या कोई भी बच्चा होते तो उनको अक्सर वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊँगा, इंजीनियर बनूंगा। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। स्टार्ट में तो मैं भी था, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि बिजनेसमैन बनना है। लेकिन हम स्टेप नहीं लेना चाहते, हमें इन चीजों में शर्म आती है कि मैं एक छोटे काम से कैसे शुरू करूं। मैं यूनिवर्सिटी के टाइम से यही कहता था कि मैंने अपनी रेडी लगानी है लेकिन अपना काम करना है। मैं ये नहीं था कि मैं रियल स्टेट में बिजनेस में करूंगा, लेकिन मैंने मुझे पता था कि मैंने बिजनेस करना है। मुझे लगता है रियल स्टेट में ये प्लस पॉइंट होता है, जो बंदा ज्यादा सोशल है वो ज्यादा कामयाब है। क्या कहते हैं आप? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। एक मैं कोटेशन पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था, अगर आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते, आप कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। क्या बात ये।